हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियास किचन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बनाएंगे ठंडाई, जो होली के फेस्टिवल में बहुत ही ज़्यादा पिया जाता है। ठंडाई के बिना हमारा त्यौहार बिल्कुल भी अधूरा है। बिल्कुल आसान तरीके से झटपट बनने वाली रेसिपी है, बने रहे मेरे वीडियो में एंड तक। ठंडाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है काजू, बादाम, पिस्ता, मगज, खसखस, काली मिरी, इलायची और सौंफ। अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसे पानी के अंदर भिगो के रखेंगे। हमने यहाँ पे करीबन 15 या 20 जितना काजू लिया है, 15 या 20 जितना बादाम लिया है, 50 ग्राम जितना पिस्ता लिया है, थोड़ी सी खसखस ली हुई है, हमने यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ डाली है। सौंफ आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। हमने यहाँ पे करीबन 10 ग्राम जितना मगज लिया हुआ है, 5 या 6 इलायची डाली है, हमने यहाँ पे 10 या 12 जितना काली मिर्च ली है। अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से पानी के अंदर भिगो के रखेंगे। हमें इसे कम से कम 6 या 7 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है। अगर आप चाहो तो इसे ओवरनाइट तक भी पानी के अंदर भिगो के रख सकते हो। तो 6-7 घंटे हमारे हो चुके हैं, ड्राई फ्रूट हमारे बहुत ही अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक जार लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर हमारे भिगोए हुए ड्राई फ्रूट को डालेंगे। मैं इसके अंदर गुलाब की पत्तियाँ डालना भूल गया था, इसलिए मैंने अभी डाला है। आप इसे पीसते समय ही गुलाब की पत्तियाँ डाल देना। अगर आपके पास गुलाब की पत्तियाँ नहीं है, उसके बदले आप गुलाब जड़ भी डाल सकते हो। अब हम उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हो हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम एक बाउल के अंदर इसे निकाल लेते हैं। ठंडाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे करीबन 1 लीटर जितना मिल्क लिया हुआ है। हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से उबालना है। हमें इसे इसी तरह से बार बार इसे हिलाते ही रहना है ताकि बहुत ही अच्छी तरह से हमारी ठंडाई बने। मिल्क हमारा बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर हमने करीबन 1/2 कप जितना लिया हुआ है और इसे मिल्क के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी शुगर है जो बहुत ही अच्छी तरह से पिघल जाए। और हमें इसे इसी तरह से हिलाते ही रहना है क्योंकि मिल्क हमारा चिपके नहीं। शुगर हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पिघल चुकी है। अब हम उसके अंदर सैफ्रॉन डालेंगे। सैफ्रॉन डालने से उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकलता है। अब हम इसे मिल्क के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हो केसर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मिल्क के अंदर पिघलने लगा है, मिल्क का कलर हमारा येलो होने लगा है। तो मिल्क हमारा बहुत ही अच्छी तरह से उबल चुका है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा सैफ्रॉन का कलर आ चुका है।
अब हम इसके अंदर हमारी ठंडाई वाला मसाला डालेंगे। आप इसे एयरटाइट डब्बे के अंदर रख के इसे स्टोर भी कर सकते हो, और जब भी आपको पीने का मन हो तब आप इसे डाल के इसे पी सकते हो। अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें गैस की फ्लेम को स्लो रखना है और इसे बार बार ऐसे हिलाते ही रहना है ताकि हमारा मसाला है जो बहुत ही अच्छी तरह से मिल्क के अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ही अच्छी तरह से बनने आई है। हमें एक उबाल आते ही इसे बंद कर देना है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। आप देख सकते हो ठंडाई हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बन चुकी है और मिल्क का कलर बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम हमारी ठंडाई को ठंडा करेंगे और इसे फ्रिज के अंदर रख देंगे, क्योंकि ठंडाई हमेशा ठंडी ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पीने में। आप देख सकते हो ठंडाई हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बन चुकी है। होली के फेस्टिवल में ठंडाई पीने का मजा ही कुछ अलग है। होली का फेस्टिवल हमारा ठंडाई के बिना बिल्कुल भी अधूरा है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम मिलेंगे एक जल्द नई रेसिपी के साथ।